ब्रिक्स की ताकत क्या है, ताकत समझ लेना जरूरी है, उस हिसाब से फिर हम ये तय कर पाएंगे कि हम उसमें कहां हैं, कितने हमारे, क्योंकि ये कहा गया कि हर देश का अपना हित होता है। आबादी के मुताबिक 5 में से 4 देश टॉप 10 में शामिल हैं, ये है ब्रिक्स की ताकत। क्षेत्रफल के मुताबिक 5 में से 4 देश टॉप 10 में शामिल हैं। ब्रिक्स के देश टॉप 10 में उनकी हैसियत, जनसंख्या और भूभाग के हिसाब से। 2 वित्तीय संस्थाएं ब्रिक्स की, डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अब इसके बरक्स अगर हम देखते हैं, इस पृष्ठभूमि में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी तक 11 बैठकों के बाद क्या अचीव किया गया है, और इस तरह की बैठकों का ठीक है होते रहना चाहिए क्या, क्या केवल ऑप्टिमिज्म में, या वाकई हिंदुस्तान के हितों के हिसाब से अचीव भी किया जा रहा है। सर जनरल सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, शंकर प्रसाद साहब, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों का रुख करता हूं। जी देखिए, आपने सही कहा, इसके कोई खास बड़ा भारी अभी तक तो लाभ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा ये होते रहने चाहिए। कम से कम एक मौका मिलता है कि देश के बड़े बड़े नेताओं को एक दूसरे से बात करने का, अपना पॉइंट रखने का। आपने देख लिया कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ये बातें कह दी, जबकि चाइनीज के वहाँ हेड ऑफ द स्टेट बैठे हैं, तो और रशिया के हेड ऑफ द स्टेट बैठे हैं। तो इसमें फायदा ये है कि भारत की जो इस समय सोच है वो वर्ल्ड को बिल्कुल क्लियर है कि भारत चाहता है कि शांति रहे, भारत चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर एक देश को बराबरी तौर पे, जो पिछले हफ्ते इकोनॉमिक मीटिंग हुई है उससे लगता है कि जिस तरह से इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, टैक्सेशन में फर्क नहीं होना चाहिए, बराबर की उसमें होनी चाहिए बातचीत। जैसे कि ब्रिक्स में उन्होंने कहा कि जैसे कि रोड कम्युनिकेशन, बेल्ट एंड रोड की बात, बाकी मेहमानों के पास में जाता हूं।